नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की नई शुरुआत नई क्लास के साथ। यह आशा है कि आप पर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलो इसी क्रम में है हम आगे बढ़ते हैं कि आज की जो क्लास है जिसमें हमने पूर्व में पढ़ा था, एक संस्मरण है 22 वर्ष बाद जो कि बनारसदास चतुर्वेदी का है। बनारसदास चतुर्वेदी हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार, निबंधकार और इतिहासकार भी माने जाते हैं। बनारसदास चतुर्वेदी का जो संस्मरण है 22 वर्ष बाद, जिसमें हमने पूर्व में पढ़ा था एक महिला की व्यथा का वर्णन किया गया है और वो किस प्रकार से अपने पति से बिछुड़ने के बाद वापस जब मिलने का प्रयास करती है तो क्या क्या परेशानियां आती है, वो सभी बातें यहां पर बनारसदास चतुर्वेदी जी ने अपने संस्मरण 22 वर्ष बाद में प्रकट किए हैं। ये विचार किस प्रकार से मानव के हृदय को छू जाते हैं, तो सभी बातें हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। पहले बनारसदास चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं और उनका जो जीवन काल है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 22 वर्ष बाद एक संस्मरण है, हिंदी की पीढ़ा है ये संस्मरण, जो कि लिखा है बनारसदास चतुर्वेदी ने। इनका जन्म 1892 में, मृत्यु 1985। प्रमुख रचनाएं की रेखाचित्र, साहित्य और जीवन, गणेश शंकर विद्यार्थी, राष्ट्रभाषा और सत्यनारायण की जीवनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस संस्मरण में चतुर्वेदी जी का एक मानव चित्रण है। मानव का मतलब धर्म भरा, जो हमारे मर्म को, हमारे हृदय को स्पर्श कर जाता है, जिसमें महिला की कथा व्यथा का हृदय स्पर्शी, दिल को छूने वाला चित्रण किया गया है। और ये पूरा संस्मरण पाठक के हृदय को क्या कर देती है, विकलित कर देती है। इस पाठ के अंदर, इस संस्मरण के अंतर्गत एक महिला है जो 22 वर्षों तक अपने पति का इंतजार करती है। 22 वर्ष पूर्व उसका पति उसे बिना कुछ बताए हुए घर से लौट जाता है और उसका कोई अता पता, कोई ठिकाना नहीं। तो वो महिला जब अकेली हो जाती है और पीछे उसका एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ करके जब उसका पति चला जाता है तो उनका लालन पालन, उनकी जिम्मेदारी, सब कुछ उस महिला के ऊपर आ जाती है। और किस प्रकार से वो हर वर्ष, हर दिन, हर रात उसका इंतजार करती है अपने पति का कि वो अब तो आए। इसी आशा में 22 वर्ष निकल जाते हैं। तब कुछ पता चलता है कि उसका जो पति है वो फिजी के अंदर है और वो फिजी जाने की तैयारी करते हैं।
अब वो तैयारी कैसे करें, किस प्रकार से करें, उसको वीजा कौन देगा, क्या क्या मुसीबतें आई, उस सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। बंगाल का एक सेक्रेटरी, एक व्यक्ति उसकी सहायता करता है और जैसे वो जाने के लिए तैयार होते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ एक ऐसी चीज़ों या ऐसे कुछ सामान की व्यवस्था भी एक व्यक्ति के द्वारा सहायता की जाती है और वो अंत में फिजी चले जाते हैं। इतने वर्षों का इंतजार, इतने वर्षों की आशा, ये सभी मानव मन को छू जाने वाले इसमें बनारसदास चतुर्वेदी जी ने अपने संस्मरण में लिखे हैं। आप इस पाठ को, इस संस्मरण को हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं। जब आप इसको पढ़ोगे तो वास्तव में आपके हृदय को भी ये संस्मरण छू जाएगा। आगे चलते हैं, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन का जो सार है, मूल सार को क्वेश्चन के द्वारा पढ़ते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। तो आप प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, बनारसदास चतुर्वेदी द्वारा लिखे रेखाचित्र 22 वर्ष बाद का सार लिखिए, अथवा करके लिखे 22 वर्ष बाद में रेखाचित्र में व्यक्त वर्णीय विषय को, वर्णीय विषय और मूल विषय, वर्णीय विषय, वर्णीय विषय को स्पष्ट कीजिए। लिख लिया आपने प्रश्न, लिखे इसमें। अब आप 22 वर्ष बाद श्री बनारसदास चतुर्वेदी द्वारा लिखित एक मार्मिक हृदय स्पर्शी संस्मरण है। इस संस्मरण में चतुर्वेदी जी ने दो बच्चों की मां जगरानी प्रधापन है, आपको पात्र पता होगा, उसका नाम क्या था पात्र का, जगरानी। दो बच्चों की मां जगरानी की व्यथा कथा को हृदय स्पर्शी रूप से चित्रण किया है। वह 22 वर्ष पहले अपने पति से मिलने के लिए फिजी जाती है। एक जगह है फिजी, फिजी जाती है अपने 25 वर्षीय पुत्र और 22 वर्षीय पुत्री से, संभवतः सदा के लिए विदा लेने का दृश्य कितना करुण रहा। उनमें पढ़ा था अपने, अपनी 22 वर्षीय जो पुत्री है और 25 वर्षीय पुत्र को छोड़ करके जा रही है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है
प्रस्तुत रेखा चित्र का सार निम्नानुसार है। तो आप इसके पहले हेडिंग डालिए, अनजान व्यक्तियों का लेखक के घर आना, अनजान व्यक्तियों का लेखक के घर आना। इसमें लिखें संध्या का समय था, वर्षा हो रही थी, लेखक जब ऑफिस से घर लौटा तो मालूम हुआ कि दो ग्रामीणों ने उसके घर के बाहर डेरा डाला हुआ। कलकत्ते जैसे शहर में स्थान का अभाव वैसे ही रहता है, उनको ठहराने की भी समस्या थी। संयोग से स्थानीय आर्य समाज के अधिकारियों ने इस समस्या का निवारण कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जगरानी की कहानी। जगरानी ने बताया कि वह उस समय 18-19 वर्ष की थी। एक दिन रात के समय भोजन करने के बाद उसके पति ने कहा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन आज 22 वर्ष हो गए वे लौट कर नहीं आए। हमने सब जगह उनकी तलाश की लेकिन वे नहीं मिले। 4 वर्ष बाद उनकी एक चिट्ठी फिजी से आई जिसमें उन्होंने अपने सब समाचार लिखे और मुझे अपने पास बुलाने का विचार भी लिखा। पिछले साल तो मैं जा नहीं सकी लेकिन अब जा रही हूं। भाई हमने पूर्व में पढ़ा था कि जगरानी जो है वो आज से 22 वर्ष पहले, जब वो 18-19 वर्ष की थी, तो एक दिन पति उसका रात को खाना खा करके कहीं चला जाता है और सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो देखती है उसका पति घर में नहीं है और वो बहुत जगह तलाश करती है, इतनी मुसीबतें आती है उसके सामने जब उसके पति का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। तो 4 वर्ष पूर्व एक चिट्ठी आती है और उसमें सब कुछ व्यथा लिखी हुई होती है और वो जगरानी का जो पति है वो उसे भी अब फिजी बुलाना चाहता है। तो उस दौरान जगरानी को जो मुसीबतें हुई, जो दिक्कतें हुई, उन सब का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, जगरानी के बच्चे। लेखक ने जगरानी से पूछा, तुम्हारे कोई बाल बच्चे हैं? जगरानी ने उत्तर दिया कि एक लड़का और एक लड़की है।
लड़के को वे 3 वर्ष का छोड़ गए थे और लड़की उस वक्त पेट में थी और उनके जाने के 3 महीने बाद पैदा हुआ। लेखक ने उससे पूछा कि तुमने दूसरा विवाह क्यों नहीं किया। यह सुनकर वह दुखी हो गई और उसने करुण स्वर में कहा, महाराज बेटा बेटी को कहां बहा देते। जगरानी ने बताया कि उसका लड़का जियावर अब 25 वर्ष का है, लड़की बगना 22 वर्ष की। लड़के की 2 संतानें हैं और लड़की के भी एक लड़का है। लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखें, अनजान व्यक्ति के आने का कारण। अनजान व्यक्ति के आने का कारण, ये पॉइंट लिखे आप, अनजान व्यक्ति के आने का कारण। इसमें लिखो, उस महिला के साथ जो पुरुष था उसका नाम जमुना प्रसाद था। मतलब जगरानी के साथ जो एक व्यक्ति था, अनजान व्यक्ति था, उसका नाम जमुना प्रसाद था। वह साथ की महिला जिसका नाम जगरानी था, जगरानी ने अपने आने का जो लेखक को कारण बताया, जगरानी ने लेखक को आने का जो कारण बताया वह भी करुणाजनक था, वह भी करुणाजनक था। नेक्स्ट लिखें, जगरानी का फिजी जाने के लिए तैयार होना, जगरानी का फिजी जाने के लिए तैयार होना। इसमें लिखे, जगरानी ने कहा कि उसे सबने यही समझाया कि तुम्हारा जाना ही ठीक है, बेटा बेटी और दामाद उसे बांसी तक पहुंचाने आए। बांसी एक जगह है, पूर्व दर्शन जो पाठ पढ़ा था उसमें आप करोगे तो बांसी एक जगह है, बांसी तक उसको पहुंचाने आए और पुत्र और पुत्री के वात्सल्य को तिलांजलि देकर वह 7,000 मील दूर अपने पति से मिलने के लिए फिजी जा रही है। यहां से फिजी तक का किराया उसके पति ने पूर्व ही भर दिया है। जगरानी और उसके पति का लौटना अप्राय असंभवी था क्योंकि गरीब लोग इतने किराए की व्यवस्था करने में प्राय असमर्थ रहते हैं। जगरानी ने कहा कि उसे अपने लड़की लड़के से मिलने की उम्मीद
अब नहीं है। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, जगरानी को फिजी भिजवाने, जगरानी को फिजी भिजवाने में आने वाली कठिनाइयां, मतलब कौन कौन सी कठिनाइयां आई उसको फिजी भिजवाने के लिए, उसमें लिखें जगरानी को फिजी भिजवाने में लेखक के सामने अनेक कठिनाइयां आई। पासपोर्ट तो वह अपने साथ लाई थी पर उस पर बंगाल सरकार के अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं। जब जगरानी वहां गई तो उसका पासपोर्ट ले लिया गया और कई बार जाने पर भी उसे नहीं दिया। लेखक स्वयं पासपोर्ट पुलिस विभाग में गया, वहां के अधिकारी का व्यवहार सहयोगात्मक नहीं था, सहयोगात्मक का मतलब हेल्पफुल नेचर का नहीं था। जब लेखक ने उससे यह कहा कि आपको जनता के साथ अधिक सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए तो वह नाराज हो और बोले तब आपसे उपदेश नहीं सुनना चाहते, वहां से निराश होकर लेखक बंगाल सेक्रेटरीएट पहुंचा और मिस्टर बी आर सेन आईसीएस से सब बातें की। उन्होंने तुरंत ही जगरानी के पासपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए भाई अपन ने पढ़ा था कि उसमें कि जगरानी जब फिजी जाने के लिए तैयार हुई तो उसका पासपोर्ट तो बन गया था, लेखक ने बनवा दिया, लेकिन उस पर जो पासपोर्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर नहीं थे। तो लेखक स्वयं जाकर के पासपोर्ट अधिकारी के पास जाता है तो पासपोर्ट अधिकारी उनके साथ सहयोगात्मक व्यवहार नहीं करता है बल्कि दुर्व्यवहार करता है, जिससे जगरानी को भी परेशानी होती है और वो उस बात को लेकर के बहुत व्यथित होती है कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। लेखक बिहार आ जाता है एक बार, लेकिन वापस लेखक जो है वो पूर्व की तरह एक विश्वास लेकर के बंगाल सेक्रेटरी ऑफिस में जाता है और वहाँ जो है वहाँ का एक अधिकारी है बी आर सेन, बड़ा अधिकारी होता है, उस अधिकारी से मिलकर के जगरानी के पासपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाता है और वो उनका धन्यवाद देता है। तो कहने का मतलब है कि जगरानी जब जाने की तैयारी कर रही थी तो उसका पासपोर्ट भी अधूरा था, तो उस दौरान जब वो बातचीत हुई लेखक की और अधिकारी की उस समय उन्होंने मना कर दिया, तो उस समय जगरानी की जो व्यथा थी, जो दुख थे, जो मन में आने वाले जो संवेग थे, वो
वो स्पष्ट रूप से दिखलाई देते हैं। कई बार तो उसको लगता था कि जगरानी को कि एक जो आस बंधी थी अब वो कहीं खत्म न हो जाए, तो इसी क्रम में वो बहुत व्यथित होती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो लेखक है स्वयं मेहनत करके उनकी सहायता करते हैं और पासपोर्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करवा देते हैं। नेक्स्ट आता है जगरानी का सामान, ये हेडिंग डाली जगरानी के पास। अब देखिए जगरानी के पास क्या क्या सामान है, वो फिजी जाने के लिए तैयार है लेकिन उसके पास क्या क्या सामान है उसके बारे में देखते हैं। इसमें हेडिंग डाले जगरानी का सामान, जगरानी के पास पीतल के कटोरे के सिवा और कुछ भी नहीं था, केवल एक कटोरा था पीतल। एक स्थानीय सज्जन की कृपा से उसके लिए संदूक, दरी व चादर का प्रबंध हो गया। एक स्थानीय सज्जन जमुना प्रसाद जी, स्थानीय सज्जन जमुना प्रसाद जो लेकर अपने संस्मरण में आया है रेखा चित्र में, वही व्यक्ति है जो जगरानी की सहायता करता है। तो उन्होंने क्या किया, पीतल के कटोरे की सिवा उसके पास तो कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने एक संदूक, दरी व चादर का प्रबंध कर दिया और वो फिजी के लिए रवाना हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है जगरानी का फिजी पहुंचना। जगरानी का फिजी पहुंचना, जगरानी में जाते समय जब वो फिजी जा रहे थे तो जाते समय लेखक से कहा कि हमारे लड़के और लड़की को खबर भेज देना, जगरानी ने जाते समय लेखक से कहा कि हमारे लड़के और लड़की को खबर भेज देना। लेखक ने उससे कहा जरूर भेज दूंगा और तुम्हारी तस्वीर भी भेज दूंगा। जगरानी का जहाज 24-25 अगस्त को फिजी पहुंचेगा और तब वह 22 वर्ष बाद अपने पति से, अपने बिछड़े हुए पति से मिल सकेगी। लिख लिया लास्ट में, लिखे आप निष्कर्ष, निष्कर्ष रूप में लिखे प्रस्तुत रेखाचित्र में, प्रस्तुत रेखाचित्र में लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी ने, लेखक बनारसीदास चतुर्वेदी ने सरल भाषा में जगरानी के विक्षोभ दुख का करुण चित्रण किया। विक्षोभ मतलब विछुड़ना, एक व्यक्ति से एक महिला का अलग हो जाना, एक पति पत्नी का अलग हो जाना, विक्षोभ का जो दुख होता है उसका बड़ा ही सुंदर हृदय स्पर्शी मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही शर्तबंदी की गुलामी की कुप्रथा पर खेद भी प्रकट किया है, जिसके कारण न जाने कितने परिवार टूट और बिखर गए, जिसके कारण न जाने कितने परिवार टूट और बिखर गए हैं। लाखों व्यक्ति अपनों से बिछुड़ गए,
जिनका फिर से मिलना भविष्य में संभव दिखाई नहीं दे, जिनका फिर से मिलना भविष्य में संभव दिखाई नहीं देता। बस यहाँ तक ही लिखना है और ये क्वेश्चन जो अपना है यही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप इसको वापस देखोगे किताब के अंदर जो पाठ संस्मरण रेखा चित्र दिया हुआ है बनारस विहार चतुर्वेदी का 22 वर्ष बाद, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन बनता है जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, इतना मुश्किल पाठ नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं जो आपको पाठ को पढ़ते ही समझ में आ जाए। इसी आशा के साथ आज की अपनी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रकरण के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।